खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है सिख क्षेत्र से, जहां सांसद प्रतिनिधि पर पहले आरोप लग चुके थे, लेकिन अब तक जमीनी तौर पर कोई कार्यवाही का सिलसिला पार्टी की तरफ से तो देखने को नहीं मिला। वहीं सांसद की प्रतिक्रिया भी सामने स्पष्ट तौर पर तो नहीं आई है। यहां मेहरवान भाजपा क्यों है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर जरूर सामने आ गया है। तमाम जानकारी साझा करेंगे सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश शिवर। जी राजेश जी, इन दिनों सांसद प्रतिनिधि दिलीप अग्रवाल पर भाजपा सहित सांसद ढाल सिंह बिसेन जी और क्षेत्रीय विधायक श्री दिनेश राय मनोन मेहरवान क्यों हैं, यह नगर में जनचर्चा का विषय बना हुआ है। जबकि सांसद प्रतिनिधि दिलीप अग्रवाल ने नंदौरा के सचिव विश्वकर्मा को दूरभाष पर क्षेत्रीय विधायक को अशोभनीय गाली दी है, वहीं सांसद ढाल सिंह बिसेन जी के नाम पर अवैध वसूली की है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी पार्थ जायसवाल जी को भी गाली दी है। आखिरकार सांसद ढाल सिंह बिसेन इस संबंध में मीडिया को कुछ क्यों नहीं कहना चाहता है? वहीं मेरे द्वारा क्षेत्रीय विधायक और सांसद ढाल सिंह बिसेन से भी प्रतिक्रिया चाही गई, लेकिन सांसद ढाल सिंह बिसेन जी और क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। वहीं पुलिस विभाग नगर निरीक्षक महादेव नगोतिया, अनुविभागीय अधिकारी पारुल शर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक तक सिर्फ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, किंतु दिलीप अग्रवाल जी की न गिरफ्तारी हुई है, न उस पर कोई कठोर कार्यवाही की गई है, न उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। जनचर्चा यह भी है कि सांसद ढाल सिंह बिसेन, क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय का भी अवैध वसूली में हिस्सा हो सकता है। इसके सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन नगर में ऐसी जनचर्चा व्याप्त है। वहीं जो भाजपा कार्यकर्ता दिनेश राय के साथ खड़े रहते थे और कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, सिर्फ सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हनुमान घाट समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी कश्यप ने दिलीप अग्रवाल के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हर संभव क्षेत्रीय विधायक के साथ रहने वाली भाजपा कार्यकर्ताओं ने न किसी किस्म की नाराजगी व्यक्त की है और न ही ज्ञापन सौंपा है दिलीप अग्रवाल जी के खिलाफ कार्रवाई का। वहीं ढाल सिंह बिसेन जी ने आज दिनांक तक दिलीप अग्रवाल जी को सांसद प्रतिनिधि पद से निष्कासित नहीं किया है। इन सभी बातों की जानकारी समाचार पत्रों न्यूज चैनल के माध्यम से प्रदेश के संगठन मंत्री वीडी शर्मा को जानकारी होने के बावजूद दिलीप अग्रवाल पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे भाजपा तरह तरह की शंकाओं के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। जहां अशोभनीय गाली दिलीप अग्रवाल द्वारा प्रशासनिक अधिकारी पार्थ जायसवाल तक को दी गई है, तो पार्थ जायसवाल जी द्वारा भी किसी भी प्रकार की पुलिस थाना में प्राथमिकता दर्ज नहीं कराई है। सांसद ढाल सिंह बिसेन जी द्वारा या क्षेत्रीय विधायक द्वारा दिलीप अग्रवाल पर कठोर कार्रवाई करने हेतु पुलिस को भी किसी भी प्रकार की आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
जैसे क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय मुनमुन, ढाल सिंह बिसेन जी, पार्थ जायसवाल सहित बहुत से भाजपा कार्यकर्ता शंकाओं के घेरे में आते हैं। स्वयं क्षेत्रीय विधायक द्वारा भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध वसूली विगत 6 महीने पूर्व की जा रही थी, जब अपनी सक्रियता का प्रदर्शन करने के लिए क्षेत्रीय विधायक द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया था कि किसी भी नेता के नाम पर अवैध वसूली या पार्टी के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली अगर भाजपा कार्यकर्ता करता है तो मुझे इसकी जानकारी दी जाए। किंतु इसके बाद भी जब यह बात सामने आ गई कि सांसद ढाल सिंह बिसेन के प्रतिनिधि वसूली करते हैं, जिनका आईडियो वायरल हो चुका है, उसके बाद भी क्षेत्रीय विधायक श्री दिनेश राय द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जो इन दिनों सिवनी में जनचर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं ढाल सिंह बिसेन द्वारा निष्कासित न किए जाने पर दिलीप अग्रवाल जी को दूसरे विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता जो इस प्रकार की विचारधारा के हैं, अवैध वसूली करने वाले विचारधारा के भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनके हौसलों को बढ़ाना सिद्ध हो रहा है। जी आशुतोष जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। चरण स्पर्श।